लगातार देखिए, गुजरात में कुछ समय पहले एक तूफान आया था, उसमें हजारों लोग मरे थे, करोड़ों का उस प्रदेश का नुकसान हुआ था। उसके बाद में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली थी कि हमने तो 48 घंटे पहले सूचना दे दी थी, लोग संभले नहीं, हम क्या करें। बात देखिए, एक बुद्धिजीवी आंखों में आंसू लिए गुजरात की उस विनाश लीला को देखता रहा और फिर एक तूफान पीड़ित से कहा कि सरकार ने 48 घंटे पहले सूचना दी थी तूफान की, तुमने उसे सुना नहीं या तुम्हें परवाह नहीं थी जान की। वो बोला, सूचना भी सुनी थी और जान भी प्यारी थी, मगर हमें विश्वास नहीं आया क्योंकि वो सूचना सरकारी थी। और विश्वास आता भी कैसे, ये सरकार रूपी गडरिया पिछले 50 साल से चिल्ला रहा है कि समाजवाद आ रहा है, गरीबी मिट रही है, बेरोजगारी हट रही है, सब झूठ निकला। अगर 50 साल में सरकार की एक भी सूचना सही निकल गई होती तो ये दुर्घटना चल गई होती, तो ये दुर्घटना चल गई। चुनाव के दिनों में नेताओं के चेहरे पे खास किस्म की विनम्रता होती है, वो विनम्रता याद कीजिए और ये पंक्तियां देखिए। नेताजी बोले, आओ भोले हमारे पास बैठो, हमारे साथ बैठो। भोला सकुचा कर बोला, जी आप हैं नेता, मैं हूं जनता, आप आगे रहेंगे तो मैं पीछे रहूंगा, आप ऊपर बैठेंगे तो मैं नीचे बैठूंगा। नेताजी ने हिला के सिर पूछा, मैं नीचे बैठ गया तो फिर? भोले ने जवाब दिया, सोच के तब मैं बैठूंगा, 4 इंच गड्ढा खोद के। नेताजी ने हिला के सिर पूछा, मैं 4 इंच गड्ढे में बैठ गया तो फिर? भोले ने जवाब दिया, सोच के तब मैं बैठूंगा, गहरा गड्ढा खोद के। अब नेताजी अड़ गए, पीछे ही पड़ गए, उकसाया भोले को कि मैं गहरे गड्ढे में बैठ गया तो? भोले ने कहा, तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए, ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तो मैं आपके ऊपर मिट्टी डाल के घर जाके नहाऊंगा और फिर आपकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंच जाऊंगा। आपकी श्रद्धांजलि सभा में।